आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कलिजन पे। कलिजन मतलब टकराना। अगर दो ऑब्जेक्ट्स, मान ले एक बॉडी ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एक बॉडी ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये दोनों यहां पर आके कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, तो यहां पर कॉन्टैक्ट में आने के बाद मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों फिर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। ऐसे अब ये इस डायरेक्शन में जाने लगा और ये इस डायरेक्शन में जाने लगा। हो सकता है ये भी इसी डायरेक्शन में जाए, वो डिपेंड करेगा इन दोनों के स्टेट्स पे, मोमेंटम पे, मासेस पे, एटसेट्रा। सो उस मुद्दे पर अभी नहीं जाते हैं। फिलहाल तो यहां जो कॉन्टैक्ट हो रहा है इन दोनों के बीच, जितनी देर तक कॉन्टैक्ट रहता है, अब ये जो कॉन्टैक्ट होता है ये बड़ा क्लासिकल सेंस में, स्ट्रिक्ट क्लासिकल सेंस में होता है, चलिए इस पर बात नहीं करते हैं। तो यहां पर जो कॉन्टैक्ट होता है इन दोनों के बीच, इस प्रोसेस में होता यह है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, पहला वाला ऑब्जेक्ट, ये दूसरे वाला ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है और दूसरा वाला ऑब्जेक्ट उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है। इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं कलिजन। कलिजन बेसिकली दो तरह का होता है, सो इसमें थोड़ा बात कर लेते हैं कलिजन के टाइप पे। सो कलिजन अगर इसे हम डिस्टिंग्विश करते हैं तो बेसिकली कलिजन दो तरह का होता है। एक तो इलास्टिक कलिजन, कलिजन और दूसरा होता है इन इलास्टिक कलिजन। दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए। इलास्टिक कलिजन जब होता है, जब ये दो बॉडीज कोलाइड कर रहे हैं और वो अगर इलास्टिक कलिजन हो तो फिर ड्यूरिंग कलिजन ये इस तरह से अगर इधर जाए और ये इस तरह से इधर जाए और इन दोनों का यहां कलिजन अगर हो तो ड्यूरिंग कलिजन ये कोई भी एनर्जी लूज नहीं करता है, पूरा का पूरा एनर्जी कंजर्व्ड रह जाता है। तो यहां से हम कहेंगे जो एनर्जी का लॉस हो रहा है वो बिल्कुल नहीं होता है, जीरो एनर्जी लॉस होता है। कलिजन चाहे इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो, दोनों ही केसेस में मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड रहता है। कलिजन से पहले मोमेंटम जितना रहता है, कलिजन के बाद भी मोमेंटम उतना ही रहता है। तो हम यहां से कह सकते हैं इलास्टिक कलिजन के लिए मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। सो मोमेंटम ये कंजर्व्ड रहता है और एनर्जी का टोटल एनर्जी जो है वो भी कंजर्व्ड रहता है, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी। सो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी भी कंजर्व्ड रहता है, कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है। अब इन इलास्टिक कलिजन में क्या होता है, इसी तरह से ये टकराते हैं पर यहां बीच में यहां कुछ एनर्जी का लॉस होता है, यहां पर लॉस्ट एनर्जी, एनर्जी जो होता है वो लूज कर जाता है ड्यूरिंग कलिजन इस प्रोसेस में। सो यहां मोमेंटम तो कंजर्व्ड रहता है लेकिन एनर्जी इस केस में कंजर्व्ड नहीं रहता है। सो हम यहां से कहेंगे एनर्जी नॉट कंजर्व्ड इन इलास्टिक कलिजन में। सो मतलब क्या बना इसका, अगर मान ले ये u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और कलिजन के बाद इसका वेलोसिटी हो जाता है v1 और इसका वेलोसिटी हो जाता है v2, सेम है u1 u2 और v1 और v2, तो यहां से मोमेंटम कंजर्व्ड। इससे हम यही मतलब निकालेंगे कि अगर मान ले इसका मास m1 होता है, इसका मास m2 होता है, सेम है m1 एंड m2, तो इस केस में इलास्टिक कलिजन के केस में हम कहेंगे चूंकि मोमेंटम कंजर्व्ड है वो इन इलास्टिक कलिजन में भी होगा, तो यहां हम कहेंगे मोमेंटम कलिजन से पहले m1 u1 प्लस m2 u2, देखिए यहां पर इन दोनों का मोमेंटम का सम ये बराबर होगा कलिजन के बाद जो टोटल मोमेंटम होगा m1 v1 प्लस m2 v2। सेम चीज स्टैंड करेगा यहां पर भी इन इलास्टिक कलिजन में भी, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व्ड होगा इस केस में भी, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं। सो यहां पर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा इस केस में भी लेकिन एनर्जी जो है वो सेकंड केस में कंजर्व्ड नहीं रहेगा बल्कि फर्स्ट केस में ही कंजर्व्ड रहेगा। सो इससे हम आगे बढ़ते हुए ये कहेंगे
कि टोटल एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी यहां पर, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फैक्टर ही नहीं आ रहा यहां पर, सो टोटल काइनेटिक एनर्जी यहां पर जो है वो कितना होगा, देखे ये होगा हाफ इंटू एम वन इंटू यू वन स्क्वायर्ड प्लस हाफ इंटू एम टू इंटू यू टू स्क्वायर्ड। ये एग्जैक्टली बराबर होगा कलिजन के बाद जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा एम वन वी वन स्क्वायर्ड हाफ इंटू एम वन वी वन स्क्वायर्ड प्लस हाफ इंटू एम टू वी टू स्क्वायर्ड। तो ये स्टैंड करेगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो कंजर्व्ड रहेगा, ये स्टैंड करेगा इलास्टिक कलिजन में। नॉन इलास्टिक कलिजन में ये स्टैंड नहीं करेगा, दैट मीन नॉन इलास्टिक कलिजन में हम कहेंगे कि ये इक्वल टू नहीं होगा बल्कि नॉट इक्वल टू होगा। नॉन इलास्टिक कलिजन में ये एक दूसरे के साथ बराबर नहीं होंगे। काइनेटिक एनर्जी पहले जितना होगा वो बाद के काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होगा, होना ही है, क्योंकि कुछ एनर्जी यहां पर लूज कर रहा है ये सिस्टम, तो ये काइनेटिक एनर्जी बड़ा होगा। कौन सा काइनेटिक एनर्जी? कलिजन से पहले वाला टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब इन इलास्टिक कलिजन का एक स्पेशल केस के बारे में बात कर लेते हैं, इसी के एक स्पेशल केस के बारे में बात करते हैं जो कि होता है परफेक्टली इन इलास्टिक कलिजन। सो ये है परफेक्टली इन इलास्टिक कलिजन। सो परफेक्टली इन इलास्टिक कलिजन, इसमें जो होता है ये इसी का एक स्पेशल केस है। इसमें क्या होता है? मैक्सिमम एनर्जी लॉस होता है। सो ये जो कलिजन होगा यहां पर, ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, और यहां जो कलिजन हो रहा है, इस कलिजन में जो एनर्जी लॉस होगा ये एनर्जी लॉस मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम एनर्जी लॉस। इससे ज्यादा एनर्जी लूज करना इस सिस्टम के लिए पॉसिबल नहीं होगा। और उसके बाद होता यह है, ये तभी संभव है जब मैक्सिमम एनर्जी लूज करेगा, तो इसके बाद होता यह है कि दोनों पार्टिकल्स एक साथ चिपक जाते हैं, चिपक जाते हैं इन द सेंस अब आगे ये दोनों एक ही साथ मूव करने लगेंगे, एक ही साथ मान ले इस डायरेक्शन में मूव करने लगे। सो इनिशियल वेलोसिटी इसका मान ले यू वन है और इसका यू टू है, और फाइनली ये दोनों वी वेलोसिटी से मूव करने लगे। इस केस में भी मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, मोमेंटम का कंजर्वेशन हमेशा होगा लेकिन एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहेगा। तो यहां भी अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम ये कह सकते हैं, अगर इसका मास एम वन है, अगर इसका मास एम टू है, तो फिर हम कहेंगे कि एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू, जो कि कलिजन से पहले टोटल मोमेंटम है, ये बराबर हो जाएगा एम वन प्लस एम टू इंटू वी के, क्योंकि दोनों तो एक साथ मूव कर रहा है, दोनों का एक साथ जो मास होगा एम वन प्लस एम टू होगा और दोनों का वेलोसिटी सेम होगा, वी होगा। और मैं फिर से बता दूं, यहां पर मैक्सिमम एनर्जी लॉस होगा, मैक्सिमम एनर्जी लॉस होगा। तो ये था कलिजन का मतलब और इसके कुछ टाइप्स। बेसिकली ये दो तरह के होते हैं, इलास्टिक और इन इलास्टिक, और इन इलास्टिक कलिजन का एक स्पेशल केस होता है परफेक्टली इन इलास्टिक कलिजन। हां, यहां मैं आपको बता दूं कि मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में आप परफेक्टली इलास्टिक कलिजन नहीं देख पाएंगे। कलिजन होगा, इलास्टिक कलिजन के बहुत करीब होगा, लेकिन यह पूरी तरह से इलास्टिक कलिजन नहीं होता है। कुछ ना कुछ एनर्जी लूज करेगा ही ड्यूरिंग कलिजन, दो बॉडीज के बीच जब कलिजन होगा, तो उस एनर्जी लॉस को हम साउंड एनर्जी के तौर पे सुन सकते हैं, वो हीट एनर्जी के तौर पे वो रेडिएट कर सकता है, डिसिपेट कर सकता है, और भी बहुत सारे तरीके से ये डिसिपेट कर सकता है एनर्जी को। आगे की वीडियोज में हम ये बात करेंगे कि अगर हमें दो इनिशियल वेलोसिटीज पता हो, साथ ही साथ ये पता हो कि दो बॉडीज का मास कितना है, तो अगर वो इलास्टिक कलिजन हो तो फिर फाइनल वेलोसिटीज दोनों का कितना होगा, ये हम पता कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। सो दो इक्वेशंस से दो वेरिएबल्स का वैल्यू हम पता कर सकते हैं, ये हमें पता है कि हम ऐसा कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि अगर परफेक्टली इन इलास्टिक कलिजन हो और इनिशियल वेलोसिटीज हमें पता हो तो फाइनल वेलोसिटी कितना होगा। इसके लिए हमें दो इक्वेशंस की जरूरत नहीं होगी, इसके लिए हम सिर्फ एक ही इक्वेशन से
इसे पता कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर वेरिएबल एक है, तो इसे पता करने के लिए हमें एक इक्वेशन का जरूरत होगा, बशर्ते हमारे पास हो u1, u2 दैट मीन इनिशियल वेलोसिटीज और इन दो ऑब्जेक्ट्स के मासेस। और हम यह भी पता कर सकते हैं कि परफेक्टली इन इलास्टिक कलिजन अगर हो तो फिर जो एनर्जी लूज करेगा ये सिस्टम वो कितना होगा। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और हमें मोटिवेट करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।